टैक्सेशन एंड बार एसोसिएशन की ओर से करनाल के गोल्डन मोमेंट में जीएसटी को लेकर एक प्रदेश स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी से संबंधित खामियों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जीएसटी को सुविधाजनक बताने के लिए सरकार को एक ज्ञापन देने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। जिला बार एसोसिएशन की ओर से संजय मदान ने बताया कि आज यहां पूरे प्रदेश से करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला एवं अन्य प्रदेशों से भी टैक्सेशन एंड बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने अपनी भागीदारी दिखाई है और सरकार से मांग की है कि व्यापारियों को जो असुविधा हो रही है उसको देखते हुए जीएसटी में सरलीकरण किया जाएगा। इस मौके पर विधायक एवं चेयरमैन हरविंदर कल्याण ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर एसोसिएशन की ओर से हरविंदर कल्याण के सामने अपनी ज्ञापन में दी गई मांगों का विवरण किया गया, जिसको उन्होंने सरकार से बात कर सरलीकरण करने का आश्वासन दिया है। सेमिनार में टैक्सेशन एवं बार एसोसिएशन से जुड़े बुद्धिजीवियों ने जीएसटी पर अपने विचार रखे। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। करनाल डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार की तरफ से एक सेमिनार आयोजित किया है करनाल के अंदर। जीएसटी की जो आज की जो मेन प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दिन ब दिन जो है व्यापारी वर्ग और प्रोफेशनल वर्ग जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशंस हैं जो इतनी हो गई हैं, अभी पहली याद करते हैं तो नई आ जाती हैं, तो इसमें हम आपस में अपना एडवोकेट्स जो सिर्फ करनाल से नहीं, कुरुक्षेत्र से, पानीपत से, यमुनानगर से, अंबाला से और पंचकुला से काफ़ी एडवोकेट्स आए हुए हैं जो करनाल इस सेमिनार में। इसका मेन मकसद यही है कि भाई हम सभी प्रोफेशनल्स लोग ताकि अपडेट हों और इस अपडेशन में कुछ कमियों को भी ढूंढा जाए, वो जो कमियां हैं ताकि सरकार तक पहुंचे उसको सिंप्लीफाई किया जाए जीएसटी को, ताकि व्यापारी वर्ग भी और प्रोफेशनल्स भी जो है ना कहीं अपनी वर्किंग को जीएसटी को लागू करने में उसमें अपना पूरा योगदान। ज्ञापन भी दिया जाएगा? ज्ञापन आज हरविंदर कल्याण जी हमारे चीफ गेस्ट थे, उनके समक्ष हमने भी दो तीन चीज़ें रखी हैं ताकि और उनके ये भी कहा गया कि आप हरियाणा सरकार और अपना माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सरकार तक पहुंचे और उसको सिंप्लीफाई जरूर किया। नमस्कार सर, आज जो कार्यक्रम में आए हैं क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज का जो सेमिनार है जो करनाल टैक्सेशन बार एसोसिएशन ने जिसका आयोजन किया, मैं जीएसटी के विषय के ऊपर, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा सेमिनार का ये आयोजन हुआ, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों में जिस तरीके से कोई क्लैरिटी किसी भी विषय के ऊपर आनी होती है, तो ऐसे जो एक्सपर्ट को यहाँ पर इनको बुलाया गया है, जो स्पीकर हैं, अधिकारी हैं या अन्य जितने भी इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं, तो इस विषय के ऊपर एक क्लैरिटी भी होती है, चर्चा भी होती है, और जिस तरीके की दिक्कतें किसी भी ऐसे विषय में आती है तो वो दिक्कत कैसे दूर हो उसके ऊपर चर्चा करके एक नए समाधान क्या निकले, तो वो भी ऐसे विषयों में आता है। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये सेमिनार बहुत अच्छा रहा और मैं बधाई देना चाहूँगा टैक्सेशन बार एसोसिएशन को, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। थैंक यू। आज जीएसटी पर जो सेमिनार है ये हमारा इस साल का दूसरा सेमिनार है। हमारे प्रधान संजय मदान जी का बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। जीएसटी से संबंधित सारी समस्याएं उठाई जाएंगी और हमारे की स्पीकर आए हुए हैं, वो लोगों को जीएसटी से अवगत कराएंगे, जो जो समस्याएं वकीलों को आ रही हैं, और इन समस्याओं को एक ज्ञापन के रूप में हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी भेजने का काम करेंगे, जिससे कि व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।